नमस्कार प्यारे मेरे मित्रों, आपको आज मैं बताऊंगा कि गाय कैसे बनाई जाती है और किस प्रकार आपको सारे टूलों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर आप कंप्यूटर के स्क्रीन पे बना रहे हैं तो आपको ये पूरा स्टेप देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपके बच्चे के ड्राइंग कमज़ोर है तो मैं आपके बच्चे को ड्राइंग, अगर आप मेरी वीडियो द एंड तक देखेंगे तो आपको हर एक मूवमेंट मिलेगा कलर और चित्र बनाने का। बड़े ही आसानी से आप चित्र बना सकते हैं। सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन सा मूवमेंट कहाँ जाकर रुकेगा, कौन सा स्टेप कहाँ से उठेगा और कौन से टूल से कौन सी चीज हम स्क्रीन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखा कि मैंने गाय को अब पेंटिंग के द्वारा उसे आकर्षित कर रहा हूँ। इस पेंटिंग को देखकर अगर आपको कोई कमी समझ में आ रही है तो मुझे और मेरे चैनल पे आप कमेंट करके मुझे बताइए। जो भी मेरी गलती होगी उस गलती में मैं सुधार करूँगा, और अगर आपको मेरी पेंटिंग अच्छी लगती हो तो एक बार कमेंट में आप हेलो तो बोल ही सकते हैं। तो आपने देखा कि गाय लगभग बनकर रेडी हो चुकी है और पेंटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको भी ऐसे चित्रों से रुचि है तो एक बार कमेंट जरूर कीजिए, मुझे बताइए कि मेरे चित्र आपको कैसे लगते हैं। अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो मैं आसमान पे बनाऊंगा, तड़पती हुई बिजलियां कैसे लोगों को अचंभित कर देती हैं, इस रूप में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। अब मेरी गाय लगभग बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो या मेरी पेंटिंग तो आप मुझे प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी पेंटिंग कैसे लगी। 80% गाय बनकर मेरी रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा कलर अभी इसमें बाकी है, बस वो भी मैं कर रहा हूँ। और इसी के साथ मैं भी अपनी वीडियो लगभग समाप्त कर रहा हूँ। तो आपने देखा टूलों के सहारे मैं पेंटिंग करता हूँ। और अगर आपको भी अपने बच्चे को ड्राइंग सिखाना है तो मेरी वीडियो आप पूरी ज़रूर देखें, शायद आप अपने बच्चे को बेहतरीन चित्रकार बना सकते हैं और वो ड्राइंग में मेरे ही हिसाब से वो
100 तो मैं नहीं कहता, लेकिन 99% मार्क्स जरूर लाएगा।